Good morning, students. Students, today we discuss about the objective part of chapter number 1 and 2. Chapter number 1. Green plant are called. Green plant make their own food. So, that is called autotrophs. And jo nahi banate hum totally directly ya to indirectly iske upar depend rehte hai. Isliye hume kya bolna chahta hai? Heterotroph. Which of the following gases is released during photosynthesis? कौन सा गैस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब रिलीज होता है. कौन सा रिलीज होता है? ऑक्सीजन. और कौन सा उसे चाहिए ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड. ये चीज़ें आपको याद रखनी है. इसके लिए आपको फोटोसिंथेसिस की ये जो प्रोसेस है, जो फॉर्मूला है, वो याद रखनी पड़ेगी. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, they make the glucose, food in the form of glucose, C6H12O6, and कौन सा गैस रिलीज होता है? ऑक्सीजन. तो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए. नेक्स्ट वन, द क्लोरोफिल ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इन टू. क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट क्या करता है? क्लोरोफिल है वो सनलाइट को क्या करता है? कैप्चर करता है. और वो सोलर एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोफाइट. इसमें से कौन सा सेप्रोफाइट है? रोज, नीम, कोरल रूट या अलग चीज? आंसर आएगा कोरल रूट. इसके लिए आपको थियोरी पता होनी चाहिए सेप्रोफाइट पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में. उसके लिए आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता होना चाहिए, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफ में प्लांट है या बैक्टीरियाज हैं, वो किस में आते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में. हेटरोट्रॉफिक में हमने क्या, हेटरोट्रॉफिक जो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं और जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, तो उसको बोला जाएगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फिर आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में रीड करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट इसमें से कवर होगा. फिर रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वाटर है, मिनरल्स है, तो ये भी याद रखना पड़ेगा. ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, जाइलम वेसल्स क्या है, ये मैं आपको मेन मेन पॉइंट बता रही हूँ जो इसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट में कवर होगा. बिकॉज ऐसा नहीं है कि इसमें CEE में जो ऑब्जेक्टिव है वही मैं एग्जाम में पूछूंगी, तो ये आपको कवर करना पड़ेगा. नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा से एक्सचेंज होता है, और जो स्टोमेटा के अराउंड स्टोमेटा है वो किससे कवर होता है? गार्ड सेल्स है. नेक्स्ट वन है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, वो है क्लोरोप्लास्ट. तो ये सारी चीज़ें आपको रीड करनी होगी. एंड नेक्स्ट वन है सनलाइट, ये सारी चीज़ें चाहिए. फिर है इंपॉर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट ऑल्सो सिंथेसिस प्रोटीन एंड फैट्स. प्लांट्स में भी प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस होता है, तो ये आपको रीड करना पड़ेगा. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन क्या है, पैरासाइटिक क्या है, ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी. सेप्रोफाइटिक मीन्स नॉन ग्रीन प्लांट, जो अपना फूड है वो डेड एंड डेकिंग ऑर्गेनिक मैटर है प्लांट एंड एनिमल का, उसमें से ऑब्टेन करते हैं, तो उसके एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे. नेक्स्ट वन है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मीन्स ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कुछ प्लांट है, जो अदर प्लांट, जो ग्रीन प्लांट है उसके ऊपर ग्रो करेंगे और उसमें से रेडीमेड फूड ऑब्टेन करेंगे, और उसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखना पड़ेगा. और इस जो ऑप्टेन करता है वो पैरासाइट, जिसमें से ऑप्टेन करता है वो होस्ट, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी. एंड लास्ट वन इज़ अ सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस मीन्स दो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स है, साथ में रहते हैं, तो ये है सिम्बायोसिस. एंड लास्ट वन है पीटर प्लांट का आपको दिया है, जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है, तो उसके एग्जाम्पल स्पेशली ये वाले एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे. नेक्स्ट वन, राइजोबियम बैक्टीरिया लाइव इन द रूट नोड्यूल ऑफ. राइजोबियम बैक्टीरिया कौन से रूट, कौन सा प्लांट है उसका रूट नोड्यूल में रहता है, तो वो है पल्सिस के प्लांट. तो है आंसर आएगा पी, बैरली, राइस एंड वीट नहीं आएगा. प्लांट स्टोर फूड एज, यहाँ पे आपको राइजोबियम बैक्टीरिया के लिए यहाँ पे आपको दिया है. देखो राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट है, लाइक पी है, ग्राम एल्ज है, पल्सिस है, लेग्यूमिनस प्लांट है, जिसमें रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, सभी प्लांट के रूट नोड्यूल्स में नहीं रहता है, तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे. प्लांट स्टोर फूड एज, प्लांट कौन से फॉर्म में फूड स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, अगर बनाता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए कस्कुटा, मिस्टेलियो,
एंड लाइकेन, तो आंसर आएगा ड्रोसेरा। ड्रोसेरा है फ्लाई, देखो ये एग्जांपल्स आपको दिए, विनस फ्लाई ट्रैप है ये, तो ये एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दूंगी तो आपको जो एग्जांपल्स है वो रिमाइंड करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, वो हो गया द मोड ऑफ न्यूट्रिशन शोज बाय मिसल जो, जो मिसल जो है उसमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो शो करता है, तो आंसर आएगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। द मेंबर दैट अलाउज ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट दैट इज कॉल्ड ब्लैंक मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन, सॉरी मेंबर्स नहीं मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन सर्टेन मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देता है तो उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमारे घर पे जो आर ओ है रिवर्स ऑस्मोसिस, तो उसमें कौन सा मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वी कीप द हेल्दी पॉटेड प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर सम डेज टू ब्लैंक द लीव्स। हम डार्क रूम में पॉटेड प्लांट को रखते हैं क्योंकि लीव्स में से वो क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि अगर मैं आयोडीन सॉल्यूशन डालूंगी और टोटली ग्रीन कलर ज़्यादा होगा, क्लोरोफिल ज़्यादा होगा, तो उसमें प्रॉपरली आपको ब्लैक ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखेगा, इसीलिए लीव्स में से ग्रीन जो क्लोरोफिल है वो डिस्चार्ज करने के लिए हमें डार्क रूम में पॉटेड प्लांट को रखते हैं। नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ लीफ दैट इज नॉट एक्सपोज टू सनलाइट विल नॉट मेक। जो पोर्शन आपको पता है, हमने एक्टिविटी में देखा था कि लीफ का जो पोर्शन है उसमें बीच वाला पोर्शन है वहां पर हमें ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगा देते हैं और फिर सनलाइट में रखते हैं, तो जहाँ पे ब्लैक कलर की स्ट्रिप आपने लगाई है तो वहां पे क्या नहीं बनेगा, ग्लूकोज फूड नहीं बनेगा, इन शॉर्ट की उसमें स्टार्च नहीं होगा, क्योंकि स्टार्च की प्रेजेंस के लिए हम क्या करते थे, आयोडीन सॉल्यूशन डालते थे, फिर चेक करते थे कि कौन से पोर्शन में ब्लू ब्लैक है, इट मीन्स कि वहाँ पे फूड बना है, वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। बट जहाँ पे आप ब्लैक कलर के स्ट्रिप रखोगे तो वहाँ पे आप सनलाइट के सामने उसी रखोगे तो वहाँ पे फूड नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा। नेक्स्ट वन, फिलिंग द ब्लैंक। फर्स्ट वन, राइबोसोम बैक्टीरिया प्रोवाइड ब्लैंक टू लेग्नेस प्लांट। राइबोसोम बैक्टीरिया लेग्नेस प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन, एंड लेग्नेस प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया को होम प्रोवाइड करता है। ग्रीन प्लांट देयर मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, ग्रीन प्लांट कौन से प्रोसेस से फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा सराउंडेड बाय, स्टोमेटा किससे सराउंडेड होता है, गार्ड सेल से। कस्टिडा हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर, कस्टिडा में स्पेशल स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज हिस्टोरियम। द रूट ऑफ सेप्रोफाइट कंटेन ऑर्गेनिज्म कॉल, द रूट ऑफ सेप्रोफाइट कंटेन ऑर्गेनिज्म, सेप्रोफाइट के रूट में कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको क्या बोला जाता है, फंगी या फंजाई। तो ये चैप्टर वन खत्म हुआ। चैप्टर नंबर टू, चैप्टर नंबर टू में फर्स्ट एमसीक्यू है, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हैज ब्लैंक मेन स्टेप। एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें कितनी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, दैट इज फाइव प्रोसेस, कौन कौन सी आपको पता है कौन कौन सी। यस, फर्स्ट वन इंजेशन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इगेशन। इज इंजेशन, हम फूड इंटेक करते हैं। डाइजेशन, फूड का कॉम्प्लेक्स में से सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्टेड होता है। एब्जॉर्प्शन, अभी जो सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस बना है उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है। असिमिलेशन, असिमिलेशन में क्या होगा, फूड अभी डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। एंड इंजेशन, इंजेशन में क्या हो गया है कि अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस बाय विच द फूड इज इंटेक सॉरी इज टेकन इन साइड द बॉडी, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंजेशन। फिर आपको याद करना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग आपको याद रखनी है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है, फूड हम जब माउथ में रखते हैं फिर क्या होता है, द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड आर एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी। द फूड इज पासिस थ्रू अ लॉन्ग मस्कुलर कैनल, जब हम माउथ में रखते हैं फिर फूड एक लॉन्ग मस्कुलर कैनल होती है वहाँ से पास होता है, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक। नेक्स्ट वन, एलिमेंट्री कैनल में सिक्स स्टेप आपको स्टडी करना है, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है जो स्टमक की, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर वेरियस ग्लैंड इंक्लूड होती है, यानी एक ही सलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज। दिस डाइजेस्टिव जूस चेंज द कॉम्प्लेक्स सॉल्यूबल फूड सब्सटेंस, द अनडाइजेस्टेड
द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ डाइजेस्टिव सिस्टम. ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है प्लस जो ग्लैंड है यानी कि सलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज, ये सारे डाइजेस्टिव ट्रैक है और उसके साथ ये तीन ग्लैंड है वो कंबाइन होके क्या बनता है, पूरी एक डाइजेस्टिव सिस्टम. तो फर्स्ट वन देखना है इंजेशन के बारे में, जो हम फूड इंटेक करते हैं. नेक्स्ट जो है डाइजेशन का पोर्शन. डाइजेशन में आपको बकल कैविटी या ओरल कैविटी के बारे में स्टडी करना है. तो सबसे पहले आएगा बकल कैविटी में टीथ के बारे में. और टीथ में मैकेनिकल डाइजेशन होता है. और टीथ पे एक वाइट सब्सटेंस होता है दैट इज नोन एज एनेमल, जो हमारे बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है. फिर फोर आपको याद रखने हैं और टीथ के बारे में, इंसाइजर्स, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, उसका नंबर्स भी आपको याद करने हैं. फिर मिल्की टीथ एंड परमानेंट टीथ. मिल्की टीथ कितने होते हैं एंड परमानेंट टीथ कितने होते हैं, ये वो आपको याद करने होंगे. नेक्स्ट वन आएगा और उसका फंक्शन भी याद करना होगा. नेक्स्ट वन आएगा सलिवरी ग्लैंड के बारे में. सलिवरी ग्लैंड में सलिवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा, और कौन सा एंजाइम्स होता है, अमाइलेज एंजाइम. फिर आपको याद करना है इसोफेगस और फेरिंग्स. अभी जो फूड च्यूइंग करते हैं तो एक कैनल से पास होता है जिसको बोला जाता है फूड पाइप या इसोफेगस. बकल कैविटी का पोर्शन हो गया, फिर आएगा इसोफेगस का टर्न. नेक्स्ट वन है जो फूड पुश होता है बाय वेलिक मैनल इसोफेगस में, तो उसको बोला जाएगा पेरिस्टेलिसिस. फिर फूड जाएगा इसोफेगस में से स्टमक में. स्टमक में जो स्टमक की इनर वॉल है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है और उसमें तीन सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, म्यूकस एंड पेप्सिन. तीनों का फंक्शन याद रखना है, तीनों का क्या काम है. प्रोटीन, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है और जो फूड बनता है उसको क्या बोला जाता है, काइम. नेक्स्ट वन आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी करना है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है जिसका 7.5 मीटर लॉन्ग है और वो कोल लाइक मैनर में अरेंज होती है. और फिर उसमें इंटेस्टाइनल जूस स्टोर होते हैं. उसमें आपको जो फूड जो डाइजेस्ट हुआ है तो उसमें इंटेस्टाइनल जूस उसके साथ मिक्स हो जाता है. तो उसमें तीन है, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस. तीनों का आपको फंक्शन स्टडी करना है. लीवर है जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जो बाइल जूस सिक्रेट करती है एंड स्टोर करती है गॉल ब्लैडर में. नेक्स्ट वन है पैनक्रिया जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, उसका फंक्शन याद रखना है आपको. इंटेस्टिनल जूस है जो इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करता है और वो उसका काम क्या है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है. तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट है वो फैटी एसिड एंड ग्लिस्ट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट आएगा अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. अभी फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पे कैपिलरीज जैसा होता है, वहाँ पे विलीज होती है, विलाई होती है जो ब्लड वेसल्स के साथ अटैच होती है और वो फूड कैरी करके लेके जाते हैं. नेक्स्ट आएगा असिमिलेशन ऑफ फूड के बारे में स्टडी करना है. एंड लास्ट में आएगा इजेशन के बारे में. और यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी है डायरिया की, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के बारे में. इसकी आपको जो इजेशन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है तो उसका 1.5 मीटर लेंथ होता है. उसमें दो पार्ट होते हैं, कॉलन अपर पार्ट एंड रेक्टम लोअर पार्ट, वो याद करना है. अपर पार्ट जो फूड होता है, जो जो कॉलन कॉलन एब्जॉर्ब वाटर, जो कॉलन होते हैं वो सॉल्ट एंड वाटर अनडाइजेस्ट फूड में से एब्जॉर्ब कर लेता है और अनडाइजेस्टेड फूड सेमी सॉलिड फॉर्म में रिलीज होता है, दैट इज नोन एज फीसेस. और वो स्टोर होता है रेक्टम में और एक्सपेल होता है एनस से. तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है. नेक्स्ट आएगा न्यूट्रिशन इन अमीबा, उसमें भी सेम फाइव स्टेप होते हैं. नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन रुमिनेंट्स. रुमिनेंट्स में फोर चैम्बर याद करनी है आपको, दैट इज रुमन, रेक्टिकुलम, अमासम एंड एबोमासम. और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो है कर्ड, उसको बोला जाता है कर्ड. फर्स्ट चैम्बर में से सेकेंड, सेकेंड में से थर्ड, थर्ड में से फोर्थ से फिर से जाएगा फर्स्ट में और फर्स्ट में से डायरेक्टली जाएगा फोर्थ में. तो ये फूड कैसे मूवमेंट करता है वो आपको रूमिनेंट में करता है, वो आपको याद रखना है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टीथ. इसमें से कौन सा टाइप ऑफ टीथ नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर आएगा एनस, क्योंकि वो एक इजेशन का पार्ट है, लोअर कॉलन का पार्ट है. लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे जो होता है दो पार्ट में डिवाइड किया, अपर कॉलन लोअर कॉलन. द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर इन, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है पूछा है, दैट इज गॉल ब्लैडर. प्रोड्यूस होता है लिवर में. नेक्स्ट वन, कंपाउंड स्टमक इज फाउंड इन. कंपाउंड स्टमक किसमें फाउंड होता है, ह्यूमंस, अमीबा, रूमिनेंट्स या रैट. आंसर आएगा रूमिनेंट्स.
परमानेंट टीथ आर, परमानेंट टीथ के नंबर लिखने हैं, दैट इज 32. नेक्स्ट वन, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू अ बॉइल्ड पोटैटो इट टर्न, जब आप बॉइल्ड पोटैटो में कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन में आयोडीन सॉल्यूशन के डालोगे तो कौन सा कलर में चेंज होता है, दैट इज ब्लू ब्लैक बिकॉज ऑफ दिस स्टार्च. फूड पॉइजनिंग ऑफ इनडाइजेशन रिजल्ट इन फूड, सॉरी फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन, अगर हमारे पेट में गड़बड़ हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है या इनडाइजेशन इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है, डायरिया. प्रोबोसिस इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट में. फिलिंग द ब्लैंक्स, फर्स्ट वन द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द, म्यूकस कौन सा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्टमक के इनर लाइनिंग में. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ फॉल्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में कौन सा स्ट्रक्चर फॉल्डेड लाइक होता है, दैट इज विले. द सलाइवा कंटेन एंजाइम, सलाइवा में एंजाइम्स होता है, दैट इज अमाइलेज, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है. द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, जिस प्रोसेस में हमारे फूड से अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव होता है उसको क्या बोला जाता है, इंजेशन. टंग पुश द च्यूड फूड इन टू अ शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब, टंग है जो च्यूइंग वाला फूड है वो एक मस्कुलर ट्यूब में से पास करता है, दैट इज नोन एज फायरिंग्स या इसोफेगस. द प्रोटीन गेट ब्रोकन इन टू, प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, पेप्टोन में विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन. द ब्लैंक इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल का लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड ग्लैंड है लिवर. कॉन्स्टिपेशन एंड स्टमक अल्सर्स आर ब्लैंक डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन एंड स्टमक ऑर्डर का किसका कौन सा डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बिकॉज ऑफ दिस डाइजेशन प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन एंड स्टमक अल्सर्स होते हैं. नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग, लिवर जो बाइल जो सिक्रेट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन पानी को एब्जॉर्ब करता है, सॉल्ट एंड वाटर एब्जॉर्ब करता है, पैरामीशियम सिलिया, अमीबा सुडोपोडिया, एंड केनाइन टीयरिंग टीथ. तो ये मैच द फॉलोइंग मैं आपको चेंज करके भी दे सकती हूँ, लीवर की जगह लार्जेस्ट ग्लैंड दूँ, लार्ज इंटेस्टाइन है तो उसके जगह स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑप्शन दे दूँ, अमीबा में सुडोपोडिया है तो उसको चेंज करके मैं रूमिनेंट्स के बारे में दे दूँ, रूमिनेंट्स की चैम्बर के बारे में भी दे सकती हूँ, एंड कैनन की जगह हम मैं दूसरे टीथ के बारे में भी दे सकती हूँ. तो आपको फंक्शंस नंबर याद रखना है टीथ के, एंड सारे जो एलिमेंट्री कैनल्स के पार्ट है, फेरिंग्स, इसोफेगस, और बकल कैविटी, टीथ के बारे में, टंग के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फंक्शंस याद रखने हैं. तो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है.